तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे। मेरा नाम योगी और आप देख रहे हैं वाईटी व्लॉग्स। तो आज गाइस मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के प्रेम से आज मेरे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसका क्रेडिट जाता है आपको। सो गाइस, जैसे ही मैं देहरादून पहुँचा, सबसे पहले मैंने अपना कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर खोलने के बाद अपना गूगल क्रोम खोला। तो गूगल क्रोम खोलने के बाद मैं गया अपने चैनल पे और देखिए गाइस, ये मेरा चैनल है। तो चैनल पे जाने के बाद मैं यहाँ से गया अपने यूट्यूब स्टूडियो पे और यहाँ से मोनेटाइज का ऑप्शन खोला। तो फाइनली मेरा मोनेटाइज हो चुका है गाइस। देखिए 4201 पब्लिक वॉच आवर्स हो चुके हैं और 1417 सब्सक्राइबर। सो गाइस, जिन भी लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए गाइस, मैं अब यहां से अप्लाई करने वाला हूं। तो आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी 8 महीने की मेहनत आज सफल हो चुकी है और मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसका क्रेडिट जाता है आपको। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया तभी हम आज अपने गोल को पूरा कर पाए हैं। मेरे चैनल पे 1000 समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स हो, नए नई वीडियो बनाते हो, तो आप लोग कभी अपना होप मत खोइए। मेरे भी पहले 200, 300, 100 व्यूज़ भी आते थे, 10 व्यूज़ भी आते थे, बट मैंने कभी कंटेंट डालना नहीं छोड़ा, चाहे गलत कंटेंट था। मतलब एडिटिंग करनी नहीं आती थी, बिल्कुल बेसिक एडिटिंग करता था। आज थोड़ा बहुत जाके मैं ट्राई करके सीख गया हूँ एडिटिंग करना। तो मेरा ये पीछे आप सेटअप देख रहे हो, इसमें बेसिकली हम म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, एडिटिंग मैं इसी में करता हूँ। आज मेरे चैनल पर लगभग 2 से 3 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं पर वीडियो पे। तो धीरे धीरे अगर आप डालते रहोगे, वीडियो डालते रहोगे, तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगा, मोनेटाइज करने की मत सोचिए, आप सोचिए अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। जितना आपका अच्छा कंटेंट होगा, जितना आपका थंबनेल अच्छा होगा, जितना आपका टाइटल अच्छा होगा, तो आप लोग उससे आपकी वीडियो फैलेगी। और मोस्टली आपको मैं मोनेटाइज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे आपको टैग्स का बड़ा ध्यान रखना है। यूट्यूब आप कभी भी जैसे वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले यूट्यूब टैग्स सर्च कीजिए क्रोम में, और वहाँ पे टैग जनरेटर आता है, तो उसमें आपकी वीडियो से रिलेटेड आप सर्च कीजिए तो आपके सारे टैग्स बता देगा। तो यूट्यूब टैग्स आप ज़रूर डालिए, क्योंकि टैग्स से ही आपके व्यूज़ आते हैं। और टाइटल आप हमेशा सोच समझ के डालिए, जो ट्रेंडिंग टाइटल है उनमें ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो। ट्रेंडिंग टाइटल में बना के आपको थोड़ा रिस्पांस जल्दी मिलेगा, आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक्टिवा 6G पे, तो वो ऑलमोस्ट 18,000 प्लस हो चुकी थी। मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी पर तब भी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा उस वीडियो को, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी दिल्ली की, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आपको दिल्ली की मार्केट एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी मोनेटाइज करना चाहते हो अपना चैनल, तो कंटेंट पे फोकस कीजिए, टैग ज़रूर डालिए और टाइटल अपना अच्छा रखिए। तब तक के लिए अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मेरे को बहुत जल्द एक छोटा लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। मैं ट्रैवल करता हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं अब पीसी को छोड़ के एक मैकबुक लेने की सोच रहा हूँ। बहुत जल्दी मैकबुक आने वाला है मेरा, तो आपको बताएंगे मैं कहाँ से परचेज किया और क्या किया। तो चलते हैं फिर, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है मोनेटाइज या किसी भी वीडियो रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ज़रूर राय दूंगा कि कैसे कीजिए, व्यूज़ कैसे आएंगे। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं ऐसी कंटेंट के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।